हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट रेडी। जैसे कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और हल्का हल्का ठंड भी पड़ रहा है, तो गार्डन और बालकन में बैठकर धूप सेकने की मज़ा ही कुछ अलग है। और साथ में अगर एक कप चाय हो तो उसका डबल मज़ा आता है, दिल और दिमाग दोनों रिफ्रेश हो जाता है। क्यों, सही कहा ना। सबसे ज़रूरी है गार्डन को भी डेकोरेट करना, ताकि दिल करे बार बार वहाँ बैठने को और जाकर देखने को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्यूट लेडीबग और टर्टल के साथ। मैंने यहाँ पे पुराने दिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे अच्छी तरह से डिटर्जेंट से साफ कर लिया है। और उसे ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पे बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ, जेसो। अगर आपके पास बेस कोट नहीं है तो आप वाइट एक्रिलिक कलर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक स्टोन भी लिया है, उससे मैं बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा इस रेड कलर को देखकर, जी हाँ, मैं लेडीबग बना रही हूँ। और एक दिया लिया है, उसको बेस कोट करके हल्का क्रीम कलर अप्लाई कर रही हूँ। और कुछ क्ले ले रही हूँ, और आप लोग क्ले की जगह एमसील का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा ग्लू लगा के क्ले को स्टिक कर दे रही हूँ। और जो गार्डन में जो स्टिक होता है, सिंपल सा लकड़ी लेके मैं उसके अंदर मशरूम की स्टिक बना दे रही हूँ, ताकि हमें गमले में अच्छे से स्टिक कर पाए मशरूम को। मैं यहाँ पे दो मशरूम बना रही हूँ, आप चाहो तो तीन चार भी बना सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्ले को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इक्वली मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। देन हम चार पार्ट में इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे। और एक बड़ा वाला गोला लेके उसको राउंड शेप कर दिया है, और पेन की हेल्प से मैं उसके आईज और पेन कैप से मैं इसकी माउथ बना दे रही हूँ। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ। और सिंपल सा स्केल लेके मैं उसकी पैर को शेप दे रही हूँ। आपके पास जो भी टूल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा जो क्ले का पॉट आता है उसको मैंने यूज किया हुआ है टर्टल की बॉडी बनाने के लिए। देन मैं इसमें थोड़ा फेविकल लगा के उसको चिपका दे रही हूँ। क्ले बिल्कुल ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कलर करने से पहले बेस कोट अप्लाई करना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि जो हम कलर अप्लाई करें वो बिल्कुल डार्क दिखे। टर्टल्स को कलर करने के लिए मैं यहाँ पे हल्का लेमन कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करके एक हल्का सेट बना दे रही हूँ, ताकि मेरी जो टर्टल्स है वो बिल्कुल नेचुरल लगे। कलर करते टाइम इधर उधर तो कलर लग ही जाता है, उसको मैं बाद में देख लूँगी। और उसकी बॉडी में मैं सिंपल सा लाइंस ड्रा कर दे रही हूँ, ताकि हमारी जो टर्टल्स है वो बिल्कुल रियल लगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नए नए क्राफ्ट वीडियोज़ DIYs आप लोग देख सकें। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए,
और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को कौन सा वाला DIY ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये स्पेशली ये टॉर्टेज कैसे लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पे क्ले का पॉट यूज कर रही हूँ। इसको मैं 1 आवर के लिए अच्छे से पानी में भिगो के रखा था ताकि होल इजी से हो सके। और कुछ साफ टूल से इसे होल कर दीजिए। देन मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे क्ले, आप चाहो तो एमसील का भी यूज कर सकते हो। देन मैं 2 प्यारी प्यारी चिड़िया बनाने की ट्राई कर रही हूँ। और जो मेरे पास घर में जो भी पुरानी चाकू और स्केल से मैं उसकी विंग्स और पेन से मैं उसकी आईज बना दे रही हूँ जो बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो देखते हैं कलर करने के बाद कैसा लग रहा है। मैं इसको अपने गार्डन में ही हैंग करने वाली हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन से देख रही थी कि मेरी जो गार्डन है उसमें विंटर सीजन में बहुत ही छोटे छोटे चिड़िया आते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ चाहे वो गाय हो, कौवा हो और छोटे छोटे पंछियाँ हो, तो इन सब तो बोल नहीं सकते, तो हमसे जितना हो सके उन लोगों के लिए खाना और पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसको मैं गार्डन में हैंग कर लूँगी और बाद में मैं इसमें जो चिड़ियों के लिए जो दाने आते हैं मैं इसमें डाल दूँगी। और 2 चिड़िया इसलिए बनाया ताकि चिड़ियों को लगे कि कोई दाना खा रहा है। और आप लोग ये चीज़ नोटिस किए हो कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर आप एक बार किसी भी गैया और बैल और काऊ कौवा को एक बार भी खिला लिया तो वो वही सेम टाइम में आकर आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। मेरी ये खुद की एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग भी ऐसे एक्सपीरियंस किए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे अच्छा लगे आप लोगों के कमेंट पढ़कर। मैं यहाँ पे पॉट को हैंग करने के लिए प्लास्टिक रस्सी का यूज किया हुआ है। आप चाहो तो इसके जगह जो आता है जूट का रोप आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे वुडन बीड्स अटैच कर रही हूँ। आप RGTG रख सकते हो या कुछ भी क्ले से भी आप बीड्स तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पे केक बेस का यूज कर रही हूँ और कुछ क्ले बच गया था तो मैं उसके ऊपर एक फ्लावर डिजाइन बना दिया है। देन मैं बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ। देन बेस कोट ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डिजाइंस ड्रॉ कर दे रही हूँ। और ये
ये वाला DIY कंप्लीट होने के बाद हम दोनों का फाइनल लुक देख लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से पेपर के ऊपर बार की शेप ड्रॉ कर लिया था और कार्डबोर्ड के ऊपर डाल के मैंने कट करके निकाल दिया है और इसकी एजेस को मैंने मास्किंग टेप से सिक्योर कर लिया है। देन मैं अप्लाई किया इसमें जेसो, देन मैं इसको अभी कलर कर दे रही हूँ। रैंडमली मेरे दिमाग में जो भी डिज़ाइन से आया मैं उसी को ही ड्रा कर दे रही हूँ। वैसे भी ये कलर्स भरने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। थोड़ा साइन और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कट मिरर का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो पुराने CD को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आइए देखते हैं दोनों का फाइनल लुक। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कमेंट करके आपकी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और कौन सा DIY ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। आप लोगों की एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे 200% मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज और मेरी आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।